आज हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर हिंदी में 10 पंक्तियाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक महान व्यक्ति वाले इंसान थे जिन्होंने दलितों को उसके हक को दिलाने के लिए काफ़ी कार्य किए और आज हम उन्हीं के बारे में आपको कुछ बातें बताएंगे। तो आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर 10 पंक्तियाँ बताने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण जानकारी को 10 लाइन में समावेश करने की कोशिश की है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था और वह बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक समाज सुधारक, विधेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। वह भारतीय संविधान के जनक थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जिसे आज डॉक्टरेट अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पत्नी का नाम रामाबाई एवं पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2012 में उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति के भारत का संविधान बनाने